हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक राकेश। तो आज हम बात करेंगे नोटपैड प्लस प्लस एडिटर जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास इंडेंटेशन की जो पहले से फीचर होती है वो उसमें नहीं आती है, तो उसे हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। ऐसा आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे हमारे पास जो मैंने कोड लिखा है वो एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखा है एंड मैंने एंटर प्रेस किया तो वो उसके नीचे नीचे चला गया। बट जब हम कोड को लिखते हैं तो उसको अच्छा दिखने के लिए, साथ ही साथ उसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास जरूरत होती है इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन अब होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेबल रो, ओके। अब जो टेबल हेडिंग है NTA टेबल हेडिंग है, ये हमारा टेबल रो के अंदर आता है। तो ये जो अगर देखा जाए टेक्निकली, ये इसके अंदर यहाँ पे आनी चाहिए ताकि ये हमें दिखे कि हाँ ये जो हमारा टेबल हेडिंग है ये हमारा टेबल रो के अंदर आ रहा है, ओके। तो इसे हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, उसे हम इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा प्लगइन में। प्लगइन पे हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा टूल नहीं है जो कि इसको ऑटोमेटिकली कर सके, तो हमें यहाँ पे प्लगइन एडमिन पे जाना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है XML टूल्स, ओके। तो यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे XML टूल, यहाँ पे हमें इसे टिक मार्क करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंस्टॉल का। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये हमें बोलेगा कि इज अबाउट टू एग्जिट, क्योंकि ये इसको इंस्टॉल करेगा एंड इसको रिस्टार्ट करेगा। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, परमिशन मांगेगा एंड यहाँ पे ये डाउनलोड करेगा, ओके। तो यहां मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास। ये बहुत छोटी फाइल होती है, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होती है, तो आपका इंटरनेट बहुत कम लगेगा इसमें। तो ये जो मेरा डाउनलोड है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और ये कंप्लीट हो चुका है एंड मेरा यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है मेरा जो नोटपैड प्लस प्लस है। तो अब इंस्टॉल तो हो चुका है, अब मुझे उसे इनेबल कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे जाना पड़ेगा प्लगइन में एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है XML टूल्स। यहाँ पे मुझे जो ये प्रिटी प्रिंट है इसे मुझे क्लिक करना है एक बार, या तो फिर आप कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। इसका कीवर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Alt+Shift+B। मैं यहाँ पे इससे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो मैं इस पर ऐसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये सारा ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है इंडेंटेशन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज